सामयिक पुस्तकें हैं और एक तो कोरोना का प्रलय काल है उसके ऊपर है और जो विश्व पटल पर भारत का है उसमें हमने बताया कि क्या वजह थे जिससे कि हमारा ब्रांड इमेज आगे बढ़ा और ये दोनों सामयिक पुस्तकें हैं। मैं जो कुछ भी लिखता हूँ ऐसी पुस्तकें लिखता हूँ, ऐसे लेख होते हैं उसमें जो कि शाश्वत मूल्यों के होते हैं। अभी तो मेरी 8 पुस्तकें और प्रेस में है तो धीरे धीरे वो प्रकाशित होती रहेंगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए आज मेरे हाथ में 2 किताब है और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कोरोना काल का जो प्रलय काल जो था वो आरके सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और एक और जो पुस्तक है मेरे पास विश्व पटल पर अपना देश। हम आपको बताना चाहेंगे पूर्व सांसद आरके सिन्हा के द्वारा यह किताब रचित है और आज राज्यपाल भवन में राज्यपाल के द्वारा यह किताब की विमोचन भी किया गया है। उसमें कई ऐसी बातें हैं जो राज्यपाल ने आरके सिन्हा के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी बातें हैं कि पुस्तकें लिखी जा रही है और यह भी चाहिए कि भाई इस पुस्तकों को सबके सामने लेकर जाने की ज़रूरत है और वहाँ पर फिर ताकि लोग पढ़ें और जानें और समझें कि कोरोना काल के समय किस तरह से हमारा देश गुजर रहा था। सबसे पहले तो हम आरके सिन्हा से बात करते हैं और उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ है इस पुस्तक में। सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं आरके सिन्हा। 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया है राज्यपाल के द्वारा, उस पुस्तक में क्या खासियत है? देखिए ये सामयिक पुस्तकें हैं और एक तो कोरोना का प्रलय काल है उसके ऊपर है जिसमें कोरोना कैसे फैला, कैसे नियंत्रित किया गया, कोरोना के प्रभाव को न्यूनतम कैसे रखा गया, कोरोना की वैक्सीन कैसे तैयार की गई अपने देश में इतने कम समय में और अपनी वैक्सीन को सैकड़ों देशों में कैसे भेजा गया, इन सारे विषयों पर चर्चा है। और देश के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया जी जो हैं उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिखी है। और दूसरी पुस्तक है वो है नए अभी युग में विश्व में विश्व पटल पर अपना भारत। तो इसमें क्या है कि पीछे के 9 साल के घटनाओं में जो विश्व पटल पर अपने देश की गरिमा बढ़ी है और जैसे हम उसको हमारा ब्रांड इमेज बढ़ा है इसके बारे में लेख हैं। इसकी भी प्रस्तावना जो है पद्मश्री राम बहादुर राय जी ने लिखी है और ये दोनों सामयिक पुस्तकें हैं। मैं जो कुछ भी लिखता हूँ ऐसी पुस्तकें लिखता हूँ, ऐसे लेख होते हैं उसमें जो कि शाश्वत मूल्यों के होते हैं। ये नहीं कि आज मैं कुछ लिखूं और कल वो बेमानी हो जाए। तो इसी प्रकार के ये अभी तो मेरी 8 पुस्तकें और प्रेस में हैं तो धीरे धीरे वो प्रकाशित होती रहेंगी, आप लोगों की मिलती रहेंगी। सर हर पुस्तक लिखी जाती है तो उसमें एक संदेश देने का काम होता है लोगों को, तो मतलब इस पुस्तक में क्या संदेश दिया? कोरोना के पुस्तक में तो मैंने बताया ना कि किस तरह से हमने कोरोना से संघर्ष किया और विजयी रहे, कितने न्यूनतम कैजुअल्टी के साथ हमने कोरोना को मुफ्त वैक्सीन सबको दिया, दो बार दिया। अमेरिका में तो मुफ्त वैक्सीन नहीं दे पाए वो लोग, इंग्लैंड में नहीं दे पाए, लेकिन हम लोगों ने दिया। और किस तरह से हमने संघर्ष करके और कैसे हम खड़े हुए ये है। और जो विश्व पटल पर भारत का है उसमें हमने बताया कि क्या वजह थे जिससे कि हमारा ब्रांड इमेज आगे बढ़ा, यही संदेश है। भाई तो आपने सुना आरके सिन्हा जो कि पूर्व सांसद हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोरोना ऐसा जो काल था उस समय जब पूरा देश यानी कि विश्व
त्राहिमाम हो रहा था उस दौरान हमारा देश किस तरह से, जबकि आबादी हमारी ज्यादा है, उस संकट को किस तरह से हमारा देश झेला। और उन्होंने यह भी कहा कि इतने बड़े बड़े देश अमेरिका हो या कोई और देश हो, उन्होंने मुफ्त में जो टीका जो दिया जाता है उन्होंने नहीं दिया था, मुफ्त में टीका हमारे देश ने ही दिया था। और एक बात उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह से हमारा देश जो है विश्व पटल की ओर चल रहा है, विश्व पटल पर अपना देश जिस तरह से छवि हमारी बन रही है, चाहे G20 की बात करें, चाहे कुछ की बात करें, विश्व गुरु की बात कही जा रही है कि भारत हमारा विश्व गुरु बनने वाला है, जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वैसे में यह किताब की रचना की गई है। आप लोग यह इस पुस्तक को जरूर देखें और समझें, पढ़ें और समझें कि आखिर इस पुस्तक में लिखी क्या गई है। चलो अभी इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।